ते हैं मिक्स इस तरह फीमेल। अस्सलाम वालेकुम विवेक जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं जी आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो सारी हो चुकी है जी, टाइम हो चुका है, यहाँ पे देखिए जी टाइम, वो घड़ी खराब है जी, 2:45। तो सर जी स्टार्ट करनी, आज जी बनाना है थोड़ा सा सालन, रेसिपी बनानी है जी कीमा और अंडे की। तो टाइम लगना है जी, क्योंकि आजकल जी इफ्तारी में हम रेसिपी नहीं बना रहे, क्योंकि बच्चे जी इफ्तारी खा के उनका पेट भर जाता है, तो सालन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज शहर में बच्चे बना लेते हैं कभी कभी, तो आज भी बनाएंगे, टाइम काफी लग जाना है। तो आपको पहले बाय दिखाते हैं क्या कंडीशन है और फिर जी बाकी की रूटीन शेयर करते हैं जी। बाय देखिए जी, अंधेरा है। तो अभी अभी जी हमारे गाँव में ढोल वाला पूरे गाँव में जी आके सबको जगाता है, तो हमें भी जगा के गया है, तो हम भी जी उठ गया। देखिए जी जाने हो रही हैं, सामने इधर जी गांव है, तो वहाँ पे जी जाने हो रही हैं। और ये देखिए जी डेरे पे भी लोग उठे हुए हैं, यकीन दूध वगैरह जी वो दोते हैं इस वक्त। तो चलते हैं जी अंदर, और दरवाज़ा बंद करते हैं। और ये देखिए जी बाजी ने जी आटा निकाल दिया है, और अब निकालने लगे हैं जी कीमा। चले जी निकालते हैं, और चूल्हे की सेटिंग भी करते हैं, ठीक है। और ये देखें जी रात का, बाजी ने यहाँ पे ये धनिया और ये सब्ज मिर्चे और ये इसकी कटिंग की हुई है। लहसुन अदरक किधर है? आटा भी गूंद के रखे, लहसुन अदरक भी रखे। अच्छा वो भी निकाल। ये देखिए जी चीजें मैंने सारे जी अंडे और कीमे की पास रख ली है, तो जल्दी जल्दी जी बनाना स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले जी फ्लेम को ऑन करते हैं। बाजी मेरे भी देखिए जी उठ गई है, सारे जी आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे हैं, और डालेंगे जी यहाँ पे घी। 2 चम्मच जी मैंने डाल दिया घी, मैंने जो 2 अदद प्याज डाली है, क्योंकि हमारा घी गर्म हो चुका है, अब इसको करेंगे जी हल्का हल्का फ्राई। तो भी मैं जिधर जी हमारी हंडिया भी मार रही है, तो इधर बाजी रख देंगे जी कावा। सारी जी हमारी लेट ना हो जाए, इसलिए जी साथ साथ मैंने बाजी को बोला है कि आप कावा वगैरह बनाएं और चाय भी बनेगी जी साथ। तो बाजी जी इस चूल्हे को ऑन करने लगेंगे। चलेगी, और इधर देखिए जी हमारे प्याज है वो फ्राई हो रहे हैं, इसमें बाजी को मैं चला देती हूँ। तो अभी ये देखिए जी प्याज हमारे हल्के हल्के फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसे भी करेंगे जी फ्राई। तो बस लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने फ्राई कर लिया, अब इसमें डालेंगे जी कीमा, और ये बीफ कीमा है जिसे मैंने सब मैंने कल का जी वाश करके रखा हुआ है, तो ये है जी 1/2 किलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए जी कीमे में से पानी निकल आया है, तो अब इसे जी करेंगे अच्छी तरह फ्राई, पानी खुश होते वक्त इसे भी करेंगे फ्राई। तो ये इलायची और ग्रीन टी जी बाजी ने कावे में डाल ली है, तो इलायची भी डालने से कावे में प्यास नहीं लगती सारा दिन, की रोजा बहुत अच्छा गुजर जाता है, इसलिए जी हम इलायची डालते हैं। तो अभी जी थोड़ी देर के बाद बस चीनी डालेंगे, तो हमारा कावा भी आने तैयार है। तो बस कीमा जो है वो फ्राई हो चुका है, तो अब इसमें डालेंगे जी टमाटर, टमाटर जी हमारे 1/2 किलो। चलिए ये जी चीनी भी डाल दी है, तो कावा हो गया जी कंप्लीट।
तो देखिए जी बाजी मीना भी आकर बैठ गई हैं। अब ये डालने लगे हैं जी नमक, और साथ जी हमारा कीमा जो है वो हो रहा है जी इधर रोस्ट। ये देखें जी बाजी ला रही हैं जी तवा, तो ये देखें जी हमारा न्यू तवा है बिल्कुल। तो लेकिन बाजी कहती हैं रोटी इस पर कट्ठी हो जाती है, तो जब भी जी बाजी रोटी इस पे बनाती हैं तो बाजी कहती हैं कि रोटी इस पे इकट्ठी हो जाती है। नॉनस्टिक वाला है अच्छा, हाँ जी वो देखें जी वो हमारा दूसरा तवा पड़ा हुआ है। वैसे तो हमारे चार पांच तवे हैं, कोई जी वो है दम वाला और कोई नाश्ते वाला, कोई छत वाला अलग चूल्हे वाला जी, लकड़ियाँ लकड़ी वाला। तो तवा जी हमारे पास है, ये जी नीचे कमेंट्स आए हुए थे कि तवा चेंज करें, तो ये देखें बस तवा तो माशाल्लाह जी हमारा न्यू तवा है नॉनस्टिक वाला। और जी घी गर्म होने लगा है, फिर बाजी कह रही है मैं पराठे चेक करती हूँ, अगर बन गए तो ठीक है वरना उसी पुराने तवे को पेश किया जाएगा। ठीक, और ये देखें जी अभी हमारा कीमा जो है वो फ्राई हो रहा है, तो साथ बाजी बनाने लगी है जी पराठा, साथ साथ ही सारी चीज़ें बनेंगी क्योंकि सारी जो है वो लेट ना हो जाए। आज बनेंगे पराठे सादे बाल वाले। और ये हैं जी बाल वाले पराठे, सिंपल आज बनेंगे। क्यों बाजी मीना आज सादे पराठे खाएंगे? ये सूखी पका के चलो ये उत्ते नहीं ना लाते। बाजी ने कौन सी रोटी खानी है? सूखी रोटी खानी है बाजी का बीपी है जो है ना। अच्छा अच्छा डॉक्टर ने बोला है, डॉक्टर ने बोला है जी बाजी मीना को खुश्क रोटी दे। पहले ही बाजी मीना सूखी हुई है, कमज़ोर है, ऊपर से खुश्क रोटियाँ, इनका जी बीपी बहुत हाई हो जाता है। चले जी रोटियाँ जी स्टार्ट हो गई, सॉरी जी पराठे स्टार्ट हो गए जी बाल वाले। और ये देखिए जी कीमा, इसको भी साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। टमाटर भी थोड़े थोड़े गल चुके हैं, चलें जी पहला पराठा जो है माशाल्लाह जी डाल दिया बाजी ने। टमाटर जी हमारे डाल चुके हैं, अब इसमें डालेंगे अपने मसाला जार। तो सबसे पहले डालते हैं जी इसमें एक चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी मोटी कुटी हुई जी, ये दादर मिर्च है 1 चम्मच डालेंगे, 1/2 चम्मच सूखी मिर्च, 1 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया। और अब करेंगे जी इनको मिक्स, तो भी वजह देखें जी कीमा जो है वो हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें डालेंगे जी थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/2 ग्लास। देते हैं जी ढककर और कीमे को जी थोड़ा सा गलने देते हैं। और ये है जी रोटी बाजी मीना की, बगैर घी के जी बनाई है बाजी की रोटी। और ये है जी हमारी दही, माशाल्लाह देखिए जी बड़ी ज़बरदस्त जमी हुई है, इसको लेकर चलते हैं और बाजी देते हैं जी बाजी मीना को रोटी। देखें जी घर का जमाया हुआ दही माशाल्लाह ज़बरदस्त है। ये है जी बाजी मीना की सारी बाजी जल्दी जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जी नमक मिर्च कम खानी है और रोटी भी जी पराठा नहीं खाना है। बाजी डॉक्टर ने बोला बीपी बहुत ज़्यादा जो है वो हाई हो जाता है, तो चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला है कि उनको वो नमक मर्च वाली चीज़ भी नहीं देनी और पराठा भी नहीं देना।
तो ये स्टार्ट हो रही है, तो अब यकीन आराम आ जाएगा। और ये देखें जी, कीमा जो है वो अब पानी खुश्क हो गया है ना भाजी, और थोड़ा सा रह गया। साथ साथ जी हमारे पराठे भी बन रहे हैं, साथ साथ जी भाजी देखें जी नाश्ते वो सहरी भी कर रही हैं। और ये देखें जी भाई भी उठाए हैं। आपने रोज़ा रखना है तो चले फिर रख ले, सेहत इजाज़त दे रही है आपकी। चले जी, कल इन्होंने रोज़ा नहीं रखा था तो आज रख ले फिर, ठीक है ना, एक दिन छोड़ के। अपनी खुशी से रख रहे हैं ना, आपको ज़बरदस्ती तो नहीं रखवा रहे। और ये देखे जी माशाल्लाह, और ये देखे जी पराठा बन गया है हमारा गोल्डन गोल्डन। चले जी, तो अभी मैं ये देखे जी कीमे में से जी पानी खुश हो चुका है, घी निकल आया है, तो आप इसमें डालते हैं जी ये सब्ज मिर्चियाँ तकरीबन 4 से 5 अदद इनको चाप किया हुआ है। ये है जी हमारा सब्ज धनिया, इसको भी जी डाल देते हैं। जी जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार है जी। घी जो है वो दरमियान मैंने कीमे को जी साइडों पे कर लिया है, ये देखिए। और अब डालेंगे जी इसमें अंडे। ये देखिए जी अंडे मैंने डाल दिए हैं दरमियान में, तो अब इनको जी हम मिक्स कर लेते हैं। इसको जी थोड़ी देर पकने देते हैं। और ये जी दूसरा पराठा, ये देखिए जी अब हमारे अंडे जो है वो पक गिर चुके हैं, तो अब इनको जी करते हैं मिक्स इस तरह कीमे में। तो ये वाला जी तवा बाजी कह रही है मुझे दे दे, क्योंकि रोटियां कठी हो रही हैं। चले जी बाजी ने जी वो वाला तवा, तवा जो है वो वहां रख दिया जी, वो वाला नीचे, और न्यू तवा जो है, न्यू नहीं सॉरी जी पुराना तवा फिर से रख लिया। चले जी हमारा कीमा और अंडे जो है वो तैयार हो चुके हैं, बस अब उसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे। और देखे जी माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा कीमा तैयार हो चुका है। और ये देखें जी हमारा गोल्डन गोल्डन पराठा तैयार है, एक और दो तो बुला रहा हूँ हस्बैंड साहब को। चले सही है जी, तो चलते हैं जी हस्बैंड साहब को मैं बुलाने आई हूँ। लाइट जलाते हैं, आप तो उठे हुए हैं। हाँ जी मैं उठा हूँ सैरी के लिए। मेरे साथ ही उठे थे? हाँ जी। चले फिर आ जाए, तो तैयारी होगी? हाँ जी तैयारी तो हो चुकी है। तो आपने चाय पीनी है फिर मैं बनाऊँ? चाय तो पिएंगे ना। चलो सही है। और टाइम हो चुका है जी 4:15। 4:15 हो गया। हाँ चाय तो बहुत जरूरी है, मेरे भी जी सर में दर्द हो जाता है। चाय पीनी चाहिए। मैं दूध ले जाऊँ अल्पर वाला ले जाए। और ये है जी दूध अल्पर वाला, ये जी लाए थे कस्टर्ड के लिए, तो अब ये मैं लेके जी ऊपर जा रही हूँ। लाइट जली रहे? हाँ जलते रहे। चलो जी ते हैं जी फिर ऊपर ही हस्बैंड साहब आ जाएंगे खुद ही, मैं जी ऊपर जा रही हूँ। दूध को रखते हैं जी इस तरफ, कीमा बन गया है जी हमारा।
ये देखो जी कीमा अंडे हमारी रेसिपी जी तैयार हो गई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बनी है जी माशाल्लाह, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसके ऊपर दे देते हैं जी ढक्कन और इसको करते हैं इधर साइड पर, इधर रखते हैं जी चाय का पानी। देखिए जी माशाल्लाह गोल्डन गोल्डन क्रिस्पी क्रिस्पी हमारा पराठा जी तैयार हो चुका है। और ये देखिए जी हमारे पराठे बन चुके हैं जी माशाल्लाह जबरदस्त, चार पराठे जी बन चुके हैं, चार बंदे जी खा सकते हैं ये सारी। आ जाओ पराठा बन गया जी, भाई का जो पराठा बन गया है। भाई मोबाइल में बिजी है, क्या देख रहे हैं? सूरत पा रहे थे वाकई। आ गए हैं जी भाई सैरी के लिए, पराठे भी बन रहे हैं साथ चाय भी, और भाई भी आ गए हैं और इधर जी हस्बैंड साहब भी आ गए। मोस्ट वेलकम जी, आ जाए जल्दी जल्दी, पहली शिफ्ट जी लगने लगी है उसके बाद जी बच्चे आ जाएंगे, इसलिए मैंने बोला है जल्दी जल्दी जी जी। चाय भी बन रही है, चाय बन ले, वैसे तैयार ही है, दे दूं। और ये हैं जी प्लेटें जिनमें जी हम कीमा डालेंगे, अंडे कीमा डाल के देते हैं जी सबसे पहले भाई को। कितना डालूं भाई? ये मैं डालने लगी हूँ कीमा और अंडे की रेसिपी भाई और हस्बैंड को देने लगे। इन दोनों ने नहीं खानी जी क्योंकि हस्बैंड साहब कह रहे मेरे दांत में दर्द है, दही खाने से जी इनके दांत में दर्द हो गई है, भाई को लगी हुई जी खांसी बहुत सख्त। तो ये फिलहाल जी कीमा और पराठे से नाश्ता करेंगे। और ये चाय है जी हस्बैंड साहब की, उनको देते हैं जी। ये देखिए जी आज दही कोई भी नहीं ले रहा क्योंकि खाने वाले तो सारे हैं जी, वो किसी को दर्द है दांत में और किसी को खांसी लगी हुई है। तो दो बंदे जी फिलहाल तो सैरी खा रहे हैं और बाकी जो है आप जाएंगे तो फिर बच्चे आएंगे। और ये जी मैंने अपनी चाय डाल ली है क्योंकि मैंने स्कूल जाना है, चाय ना पी तो मेरे सामने भी दर्द होती है। और इन्होंने जी बनाया हुआ है अपना कावा, तो बाकी इनकी जी है दही, तो मैं थोड़ा सा सालन लूंगी और साथ में पराठा। अच्छा मेरा अभी पकने वाला है पराठा। चले जी ये है जी मेरा गर्मा गर्म पराठा माशाल्लाह क्रिस्पी पराठा चाय के साथ और कीमा आटे के साथ। दरवाजा जी हमने खोल लिया क्योंकि गर्मी जी आज बहुत ज्यादा थी, रात को गर्मी थी ना, मच्छर भी आ गया जी, गर्मी भी आ गई है। तो ये जी पहले हम दरवाजा बंद करते थे तो गर्मी महसूस नहीं होती थी, आज ही हमने दरवाजा खोला है सुकून आ गया। पहले ठंड लगती थी जी, मौसम चेंज हो गया। चले जी इतना ही काफी है क्योंकि प्यास ना लग जाए। कीमा और अंडे जी बहुत जबरदस्त रेसिपी बनी है जी, किसी ने भी नहीं बताया आपने कैसी बनी है रेसिपी। अच्छा आप सारे सारी का कह रहे हैं जबरदस्त सारी बनी है, पराठे और चाय सारा कुछ, कीमा बहुत मजेदार, बहुत टेस्टी बना है माशाल्लाह। ऑमलेट के साथ और मजा आ रहा है, अंडा डाला हाँ, कीमा अंडा, कीमा अंडा। बाजी जी कल गई थी डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने मना किया जी इनको तली हुई चीजें, नमक मिर्च और पराठा। तो बाजी आप खुद ही कहती हैं जी मैंने ये भी नहीं खाना ये भी नहीं खाना क्योंकि ये डर गई हैं। पहले जी हम कहते थे तो शायद इनको जी लगता था कि
कोई इतना असर नहीं होगा, लेकिन अब जब जब ये डॉक्टर से सुन के आई है तो आप ये कुछ भी नहीं खा रही, नमक मिर्च वाली चीज भी नहीं खा रही हो, आज उन्होंने पराठा भी नहीं खाया बल्कि दही खाई है। तो बाकी आप अपने ही फैसला ना देख लें जी। फिर जी आप नीचे कमेंट्स आ देना है, आपने बाजी को सूखी रोटी दी है, आपने जी उनको सालन नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो मैंने जी ये नुकसान दे दी है, इसलिए जी हम आज इनको नहीं दी। जब ये ठीक हो जाएगी तो फिर बेशक जी ये खाएं। और ये है जी बाजी की सहरी, इन्होंने जी दही डाली ऊपर चीनी। ये है जी बाजी का पराठा, और ये है जी बाजी की वो सालन अंडा कीमा, और बाजी की साथ इधर दही। तो बाजी कह रही हैं मैं भी जी साथ सहरी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी दो पराठे और बने हैं, ये शिफ्ट जाएगी। बच्चे आते हैं ना पकाने। ठीक है जी हम चलते हैं फिर। चलो सही आप जाए, हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है जी आप बच्चे आ जाएंगे, बाजी से कहता है आ गई है एक तो। और ये देखे जी हमारी बड़ी बच्ची आ गई है, आ जाओ जी वेलकम। देखें जी ये जी भतीजी जो है वो अपनी सहरी कर रही है, दही पराठा और कीमा अंडे के साथ। और ये देखें जी बच्चे आ गए जी ऊपर, और ये मलाइका जी अपनी सहरी कर रही है, और इधर इरमा कर रही है, दही भी है जी और ये पराठा भी है इरमा का। ठीक है जी, इधर जी बच्चों की ग्रीन टी भी डाल दी है, और इधर जी बुशरा भी कर रही है ग्रीन। और बाजी जी दो पराठे बना के अब दोबारा ये सैरी अपनी कर रही है। ये जी भतीजी का कहवा है बुशरा का, चले जी अपनी ले जा। और इधर देखें जी बहुत ठंडी हवा आ रही है, सुकून आ रहा है जी आज। और यहाँ पे देखें जी भाई जो है वजू कर रहे हैं। जमात के साथ जाएंगे नमाज पढ़ने? कोशिश तो है। चले सही, अभी तो अजान होने में टाइम है काफी। अभी स्पारा पढ़ूंगा ना। चले स्पारा पढ़ ले पहले। व्यूअर्स सहरी करके जी सारे जा चुके हैं, एक दो बंदे जी इधर बैठे हुए हैं, बाजी जी ग्रीन टी पी रही है, मैंने जी अपनी सहरी कर ली है। 4:33 हो चुके हैं अभी तकरीबन जी, है कोई 10 मिनट, उसके बाद जी रोजा बंद हो जाएगा, और फिर यहाँ से जी सारी चीजें वगैरह जी उधर रखेंगे और वॉश करेंगे। अजाने जी हो चुकी है, रोजा हमने रख लिया है, पानी वगैरह चाय वगैरह कावा वगैरह जी सब कुछ जी हमने पी लिया है। तो अब जी पढ़ेंगे नमाज और सुबहाना। तो अभी बस ये जी मैंने कीमा जो है वो बर्तन में डाली, उसको रखते हैं फ्रीजर में, और सारी चीजें जी संभालते हैं। तो व्यूअर्स नमाज जी मैंने पढ़ ली है, और मैं आ गई हूँ नीचे, और इस वक्त जी मैं करती हूँ अपने स्कूल वाले कपड़े प्रेस। तो ये जी मेरे स्कूल वाले कपड़े प्रेस हो जाएंगे, उसके बाद जी मैं पढ़ूँगी सपारा, और फिर जी मैं चली जाऊँगी स्कूल। तो ये जी आज ये हमारी सुबह की सैर की रूटीन, यकीन आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको जी हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जी लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। हमारे मेरे भाई दोस्तों हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे जी सब पाकिस्तान ज्यादा फरमाए, सब कुछ ज्यादा फरमाए। तो इजाजत दीजिए जी, खुदा हाफिज। अभी टाइम हुआ है जी सुबह, ये देखिए जी 5:22, और अभी भाई खूब अंधेरा है जी।